आज यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मीटिंग के बाद धामी ने संकेत दिए कि जिस तरह का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड को लेकर तैयार किया है उसी टेम्पलेट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में तैयार किया जा सकता है। हालांकि देश के मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने एबीपी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में बड़ी बात जो कही गई है केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की तरफ से शरीयत को लेकर वो बयान दे रहे हैं कि सिर्फ बादशाहों के लिए बनाया गया था ये कानून। ये कहना है आरिफ मोहम्मद खान का। इस्लामी कानून भेदभाव की बात करता है ये कह रहे हैं केरल के गवर्नर। 90% इस्लामी कानूनों का कुरान से वास्ता ही नहीं, ये बड़ी बात है आरिफ मोहम्मद खान ने कही है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एबीपी न्यूज को दिया। इस्लामिक कानून पर आरिफ मोहम्मद खान ने और क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं आपको। मैं आपसे सिर्फ एक बात समझना चाहता हूं कि इस्लाम को ये कहा जाता है कि बराबरी का अधिकार इस्लाम देता है। पैगंबर साहब ने बराबरी की बात की, ये सारी बातें सामने आती हैं, आपने भी कई बार रखी। मुझे समझना ये है कि जब बराबरी मूलभूत अधिकार है इस्लाम के तहत, तो ये कॉमन सिविल कोड से सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं जो उनके नुमाइंदे हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आएगा तो हमारे हक हकूक छिन जाएंगे। मुस्लिम समाज में बहुत ही जल्दी प्रॉफिट साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जाने के बाद बादशाहतें कायम हो गई। बादशाहत में समानता नहीं हो सकती। बादशाहत अगर होगी तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, समानता नहीं हो सकती। और बादशाहों को अपनी सल्तनत चलाने के लिए कोई कानून चाहिए, वो कानून बराबरी के कानून नहीं हो सकते। लिहाजा उन बादशाहों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, या कहा जाए कि उन बादशाहों की ज़रूरत के मुताबिक, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर कानून लिख दिए जो जिसमें जाहिर है कि ना समता थी ना व्यक्ति की प्रतिष्ठा थी। उन्होंने कानून लिखे बादशाहतों की जरूरत के लिए, राजाओं की जरूरत के लिए। आज हमारे जो लोग अपने आप को उलमा कहते हैं, कानून का, इस्लामी कानून का जानकार कहते हैं, वो इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत, खुदा का कानून। कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत नहीं मानता है। लेकिन अब वो कानून को अगर आप कहेंगे कि ये इस्लामी कानून है तो वो तो भेदभाव से भरे हुए हैं। वो तो सिर्फ पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं करते। कुरान कहता है वलाकत करमना बनी आदमा, हर इंसान प्रतिष्ठा का अधिकारी है। और ये कानून कहते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम के अधिकार भी बराबर नहीं हो सकते। जिसे ये कहते हैं मजहबी कानून, उसमें 90% से ज्यादा भाग वो है जो सीधे सीधे कुरान की आयतों से टकराता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।